समय हो गया और एक ऐसे कॉर्पोरेट से जिससे साल में इस वक्त तो बात जरूर होती है, हम बात कर रहे हैं मोंटी कार्लो की, क्योंकि सर्दियों का ये समय और सर्दियों के समय में एक्चुअली एक सेंस भी लेना ज़रूरी है कि जो वुलन अपैरल से जुड़े हुए रिटेलर्स होते हैं उनके किस तरह के मार्जिन रह सकते हैं, उनके नंबर्स कैसे रिफ्लेक्ट होंगे। हमारे साथ मैनेजमेंट संदीप जैन जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मोंटी कार्लो के। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर जैन। ये खास समय रहता है आपके लिए भी इस समय तो साल के जरूर आपसे बात होती है, लेकिन जो एक फैक्ट निकल कर आ रहा था कि क्योंकि सर्दियां थोड़ी लेट शुरू हुई इस बार, हालांकि अभी काफ़ी कड़ाके की ठंड नॉर्थ साइड पर पड़ रही है, लेकिन क्योंकि सर्दियाँ लेट शुरू हुई तो स्टॉकिस्ट ने जो स्टॉक लेने में माल भरने में थोड़ी सी देर की है, क्या ऐसा कोई ट्रेंड ऑन ग्राउंड आपको दिखा है? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। एंड देखिए, जैसा आपने कहा कि सर्दियां डेफिनेटली थोड़ा सा देरी से शुरू हुई हैं, लेकिन जो सप्लाई चेन है वो शुरू से ही अक्टूबर और सितंबर बिगिनिंग से ही सप्लाई चली जाती है। तो थोड़ा सा अक्टूबर नवंबर थोड़ा सा सॉफ्ट रहा था, लेकिन जैसे ही हमने देखा, भी आपने बोला कि कड़ाके की सर्दी चल रही है, तो दिसंबर में काफी अच्छी एक ग्रोथ देखने को मिली है। और जिस तरह से सर्दी पड़ रही है पर्टिकुलरली नॉर्दर्न ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया में, तो हमें लगता है ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा आगे जाके भी। जैन साहब, दाम तो नहीं बढ़ाओगे अगले साल? देखिए, दाम डिपेंड करते हैं रॉ मटेरियल के ऊपर, और फॉर्चुनेटली अभी दोनों रॉ मटेरियल काफी स्टेबल है और कॉटन के प्राइसेस तो इनफैक्ट कम हुए हैं और थोड़ा सी वुड के प्राइसेस भी कम होने के चांस है। जैसे हमारा एफटीए साइन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा दाम बढ़ने की गुंजाइश भी है। हाँ, लेकिन थोड़े 2-3% जो खर्चे बढ़ते हैं साल में, उतने दाम तो बढ़ेंगे। जैसे खर्चे बढ़ेंगे, एक्सपेंस बढ़ेंगे, वैसे ही दाम बढ़ेंगे। मिस्टर जैन, गुड मॉर्निंग। रेवेन्यू ब्रेकअप समझेंगे, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिसमें आप कार्यरत हैं, कॉटन सेगमेंट, वुलन सेगमेंट, होम टेक्सटाइल भी है और साथ ही किड्स वेयर। सेगमेंट वाइज आपके कारोबार के रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है? देखिए, कंप्लीट डिटेल्स तो भी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें मोटा मोटा, हमारा जो होम टेक्सटाइल सेगमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 13-14% के करीब है, और जो हमारा किड्स सेगमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 10% के करीब है, और हमारा जो वुलन और कॉटन की कंट्रीब्यूशन अगर हम पूरे साल की देखें, अगर हम पूरे साल में देखें कंट्रीब्यूशन, तो वुलन की कंट्रीब्यूशन स्वेटर की बात करें तो वो 17-18% के करीब है, और सॉरी 20-22% के करीब है। अगर हम पूरा विंटर वियर और कॉटन वियर की बात करें साल में, तो ये अप्रोक्सीमेटली 50-50% के करीब आ जाता है। ओके, ऑलराइट। मिस्टर जैन, एक बार आपसे मार्जिन का ट्रेंड भी थोड़ा समझना चाहेंगे। हम देखते हैं क्योंकि आपके लिए ये लास्ट के दो जो क्वार्टर्स होते हैं ये बिजनेस के लिहाज से सबसे बड़े होते होंगे, लेकिन मार्जिन किस ट्रेंड से इम्प्रूव हो रहा है? अगर एक ट्रेंड हम जो देख रहे हैं कि आपका मैक्सिमम जो मार्जिन दिखता है वो Q3 में दिखता है एक साल के, Q4 में ज्यादा दिखता है, किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है मार्जिन का? देखिए, यहाँ पे मैं एनुअल गाइडेंस की बात करना चाहूंगा। जब हमने शुरू में साल में गाइडेंस दी थी, हमने 20-25% ग्रोथ की गाइडेंस दी थी, और हमने कहा था कि हमारा मार्जिन सस्टेन करेगा, क्योंकि Q2 to Q3 वेरिएशंस होती रहती हैं बिकॉज ऑफ देयर आर डिलेड सप्लाईज, एंड उसके कारण किसी क्वार्टर में सेल्स या मार्जिन बढ़ जाते हैं और किसी क्वार्टर में कम हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम अपने रेवेन्यूज की बात करें, तो हमारी जो ग्रोथ हमने प्रोजेक्शन दी थी, हम अभी उसी पे चल रहे हैं 20-25% की ग्रोथ के ऊपर, और हमने ये भी कहा था कि हम मार्जिन अपने सस्टेन करेंगे। हमारा जो मार्जिन बैंड है एबिटा का, वो 20-22% के करीब है, तो उसी बैंड में हम अपने मार्जिन सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप जी, एक चीज बताइए, आपका एक्सपोर्ट कितना है? सर, हमारा एक्सपोर्ट नहीं है, हम प्योरली डोमेस्टिक प्लेयर हैं। अच्छा, करना चाहते नहीं सर एक्सपोर्ट कीजिए? देखिए, एक्सपोर्ट में जो दिक्कत है वो डेफिनेटली मार्जिन की दिक्कत है। एक तो हम अपने ब्रांड में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स है उसमें मार्जिन काफी कम रहते हैं, तो इसलिए अभी तो हम पूरा फोकस हमारा इंडिया में ही है, और इंडिया में भी इतना पोटेंशियल है कि हम अपने आप को इजिली 20-25% ग्रो इजिली कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा फोकस यहाँ पर है। लोग तो बाहर से यहाँ आ रहे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, तो अपैरल में मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत पोटेंशियल है इसमें ग्रोथ करने का।
नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोग बाहर से इंडिया आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं ये कह रहा था कि भारत के अलावा भी ना कई ठंडे प्रदेश ऐसे हैं, और आपके तो स्वेटर्स बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे तो ज़्यादा अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मार्जिन अच्छे हैं, इंडिया में डिमांड नहीं पूरी हो पा रही है। अच्छा लास्ट में मैं एक संदीप जी एक चीज़ आपसे पूछनी है, आप अम्बरसर में हो कि आप लुधियाना में हो इस समय? लुधियाना लुधियाना में सर ठंड पै रही है जोर दी, पूरी जोर दी ठंड पै रही है, कड़ाके दी ठंड पै रही है। ठीक है, ख्याल रखो जी अपना, तो थानू नवे साल दी बहुत बहुत बधाइयां, लख लख बधाइयां जी। थानू भी बहुत बहुत बधाइयां नवे साल दी जी, ते सारे दर्शकों नु भी। थैंक यू। ठीक है जी, जब तक पंजाबी बंदा पंजाबी बोले ना ना, वो पूरा इंटरव्यू फिक्का फिक्का जो लग रहा है, इस करके मैं लास्ट जो पूछ ही लिया थोड़ी कहीं कि भी आप बड़ा औखे हो रहे थे हिंदी बोलने, वो साफ लग रहे थे ना, बहुत मुश्किल हो रहा था आपसे हिंदी बोलना, तो मैं कहा चलो लास्ट में जाते हैं नए साल के बधाई पंजाबी में देते हैं। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।